नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उन दिग्गज खिलाड़ियों की जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा चुके हैं, जो हरा चुके हैं। अब उन खिलाड़ियों को पता है भैया कि यहाँ पर परफॉर्म करना कितनी बड़ी बात होती है। और ऐसे में आज जब वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने ये शानदार ऐतिहासिक साझेदारी की तो फिर उनका जिक्र बनता है। और उनका जिक्र कर रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी। कौन है वो बड़े बड़े खिलाड़ी, वो आपको अपूर्व बता रहे हैं कि कैसे अब एक तरह की कतार लग चुकी है इनकी तारीफों में। बिल्कुल, सहवाग का हम जिक्र कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने मतलब जो बहुत सारा क्रिकेट टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं और पता है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स बनाना कितनी बड़ी बात है इतने प्रेशर में। तो जब सुंदर और शार्दुल ठाकुर इतनी शानदार पार्टनरशिप कर रहे थे, दो तीन बैक टू बैक ट्वीट्स किए वीरेंद्र सहवाग ने। और उसके बाद जब मतलब सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया कि इफ देयर इज वन वर्ड टू डिस्क्राइब द करेज ऑफ दिस टीम इंडिया, इट्स दबंग। मतलब इस टीम को दबंग आप कह सकते हैं। ये जो कलेजा इन्होंने दिखाया है ना, जो हिम्मत दिखाई है, इसको आप दबंग कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा ट्वीट किया दोनों की फोटो शेयर करते हुए कि गाबा द ढाबा फॉर दीज टू गाइज, गाबा द ढाबा फॉर दीज टू गाइज, ब्रिलियंट फ्रॉम सुंदर एंड ठाकुर। और एक और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग इस बात से जुड़ा हुआ एक उन्होंने आंकड़ा पेश किया। एडिलेड 2003 में इंडिया को 33 रनों का ट्रेल करना पड़ा था, यानी ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई थी। और ब्रिस्बेन में भी 33 रनों की लीड मिल गई है। और एक स्टेज पर वहां पर भी हमें लग रहा था कि ये लीड जो है 133 की होगी, लेकिन वहां से 33 की हमने लीड ली है। तो जबरदस्त अल्टीमेटली इंडिया उस टेस्ट को जीता था राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी के बाद। वही, और इस टेस्ट में पहले ही टेस्ट में सहवाग ने शतक लगाया था, गांगुली का ब्रिस्बेन में ही शतक था। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनको लेकर के सहवाग ने आंकड़े पेश किए, लेकिन आपको ये जिक्र किस तरह का लगा वो जरूर बताइए। आप भी अगर दोनों की तारीफ कर रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आइए और जरूर कुछ लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।